I gave you my heart. हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा विद रिया में। सो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं समर कोट की स्टिचिंग करना। जैसा कि मैंने आप सभी से कल प्रॉमिस किया था कि मैं कल इसका जो है वो स्टिचिंग वीडियो लेकर आऊँगी, और आज मैं वो लेकर आ गई हूँ। अगर इसकी कटिंग अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है सो आप जा कर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आई बटन में भी मिल जाएगी और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस समर कोट को डिटेल में सीखने के लिए। सो चलिए आज हम सीखेंगे इसकी स्टिचिंग, वो भी बहुत ही सिंपल और इजी वे में। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो सबसे पहले आप सभी को पता है हमें अपने शोल्डर जो है वो अटैच करने होते हैं। अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस जो है वो लेते हैं सो आप सभी को पता ही होता है कि मैं किस तरह से स्टिचिंग करती हूँ। सबसे पहले हमें अपने जो हमने समर कोट की कटिंग की है उसकी हमें शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। सो हमने इसके बैक पर एक स्लिट दी थी जैसा कि मैंने कल आप सभी को कटिंग में सिखाया था, और इसकी जो एक पट्टी थी वो हमने कट की थी। 5.5 इंच की हमारी ये स्लिट है और 6 इंच की लंबाई की पट्टी और 3 इंच की चौड़ाई की पट्टी हमने यहाँ पर कट की है, और इसको हेड पिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया है। अब हम इस पर 1 फुट की दूरी पर सिलाई चला देंगे। सो फ्रंट पे सिलाई करने के बाद नॉचेस देकर उसको पीछे की ओर पलट कर हम इस तरह से हमारी जो फिनिशिंग है वो भी दे देंगे हमारी स्लिट पर। सो यहाँ पर हमारी स्लिट की जो फिनिशिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इस पर एक सिलाई और चला सकते हैं इनको फोल्ड करके, और अगर आप चाहें तो इसको ऐसा ही रख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक और सिलाई लगा रही हूँ इसको इस तरह से फोल्ड करके। सो इस तरह से हम फिनिश कर लेंगे स्टिचिंग करके। और अब हमने जो 3-3 इंच की चौड़ी और 26 इंच की लंबी पट्टी जो हमने कट की थी उसको हम स्टिच कर लेंगे हमारे दोनों फ्रंट के पार्ट पर। ये पट्टी आपको उतनी लंबी रखनी है जितना कि आप अपना कॉलर ओपन रखना चाहते हैं। मैं अपने कॉलर की जो लेंथ है वो ओनली 16 इंचेस रख रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप नेक बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसको छोटा भी रख सकते हैं, बट मैं इसको ऊपर तक लेकर जाऊँगी। सो मैंने इसको टोटल 26 इंच का कट किया है। सो यहाँ पर हमने जो है पट्टी अपनी दोनों पार्ट पर लगा ली है, फ्रंट के लेफ्ट और राइट पर, और इस तरह से आप थोड़ा सा हैंड मूव करेंगे उस आपकी स्टिचिंग पर तो आपकी जो स्टिच है वो थोड़ा सा अच्छे से पलट जाती है। आप चाहें तो इसको सीधा प्रेस की हेल्प से कर सकते हैं या फिर फिंगर की हेल्प से, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। सो इस तरह से आपको इसको पलट लेना है, अच्छे से प्रेसिंग कर लेनी है, फिर इस पर जो है आपको एक टॉप सीम लगा देनी है। पट्टियाँ अटैच करने के बाद अब हम इसमें हमारी जो स्लीव है उसको अटैच करेंगे। सो मैंने इसको हेड पिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया है। अब हम इस पर डायरेक्ट जो है वो स्टिचिंग करेंगे। हम अपनी दोनों स्लीव्स को इसी तरह से अटैच कर लेंगे, और अब हम इसके बाद इसमें जो है यहाँ से इसको फोल्ड भी कर लेंगे, जो हमारा ओपन साइड रहेगा यानी कि जहाँ पर हमारी स्लीव की एंडिंग होगी। और अब हम इसमें साइड स्लिट यहाँ से भी देंगे,
सो साइड स्लिट आपको 5.5 इंच की जैसे मैंने बैक पर दी है, सो यहाँ पर भी मैं 5.5 इंच पर जो है वो निशान लगा लूँगी और वैसे ही इसको फिनिश कर दूँगी जैसा कि मैंने अभी बैक का किया। अब इसके बाद हम इसके कॉलर पर वर्क करेंगे। कॉलर का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, इसी का मैंने बनाया हुआ है। सो फिर से आपको एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने जो कॉलर कट किया था कल की क्लास में, उसको हम लोग साइड से स्टिच कर लेंगे। साइड से स्टिच करने के बाद अब हम इसमें नॉचेस लगाकर इसको पलट लेंगे। जब भी हम कोई भी चीज़ पलट कर बनाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कॉलर हो या फिर आप कोई पॉकेट या कहीं पर भी आप स्लिट भी दे रहे हैं, तो आपको जब भी उसे पलटना है तो आप उसमें इस तरह से सीजर्स की हेल्प से नॉचेस देंगे और इसको पलट लेंगे। इससे क्या होता है, आपकी फिनिशिंग जो है वो बहुत ही अच्छी आ जाती है। सो अब हमने कॉलर पलटने के बाद उसको जो है सिक्योर कर लिया है हेड पिन की हेल्प से। जब भी हम कॉलर किसी भी चीज़ में अटैच करते हैं तो सबसे पहले हम अपने शोल्डर्स को जॉइन करते हैं और बैक पार्ट के मिड पोर्शन से हम जो है वो कॉलर लगाना शुरू करते हैं। हम चाहे कोई भी कॉलर बनाए, यही उसका जो है प्रोसीजर होता है। सो आपने पहले शोल्डर्स को जॉइन किया है, फिर अपने बैक के मिड पॉइंट से आपने दोनों साइड पर एक इक्वल मार्जिन लेके हेड पिन की हेल्प से कॉलर को सिक्योर कर लेना है, फिर उसकी स्टिचिंग करनी है। सो जब हमारी स्टिचिंग जो है बैक साइड पर कंप्लीट हो जाएगी, तब हम इसको आगे की ओर से इस तरह से पलटेंगे और जो भी अलाउंस या एक्स्ट्रा धागे वगैरह कुछ भी निकल रहे हैं, इसको फिनिश करते हुए इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे बहुत ही सावधानी से, क्योंकि अगर ये सिलाई आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो फिर आपके कॉलर पर दिखेगी। सो इसको बहुत ही धीमे धीमे अच्छे से पेशेंस के साथ स्टिच करें। सो यहाँ पर हमारा कॉलर भी बनके रेडी है। इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। सो ऐसे ही आपको भी लगाना है अच्छे से कॉलर। अब हमें क्या करना है, हमारी जो स्लीव्स है यहाँ से पकड़ना है आपको और आपकी जो स्लिट आपने बनाई है साइड स्लिट तक इसमें सिलाई डाल देनी है सीधे सीधे, और जो भी आपकी फिटिंग आ रही है उस फिटिंग को ध्यान में रखते हुए उसकी मार्किंग कर लें और जितना लूज़ रखना चाहते हैं आप उतनी लूजनेस के अकॉर्डिंग आप इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। सो अगर आप इसमें पॉकेट भी देने चाहते हैं सो आप सोच लें आपको कितनी वाइड पॉकेट चाहिए। मैं यहाँ पे 8x8 की पॉकेट के लिए फैब्रिक कट किया और मैं यहाँ पे सिर्फ एक पॉकेट दे रही हूँ। अगर आप दो पॉकेट देना चाहते हैं सो आप दो पॉकेट के लिए कपड़ा जो है वो लें। सो आपको क्या करना है, 8x8 का ब्लॉक लेना है और उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है चारों तरफ से। इसके बाद आपको 1 से 1.5 इंच नीचे आकर इस तरह से एक बार और सिलाई लगानी है। ये आपकी पॉकेट का ओपन साइड होगा। सो अब हमने अपने समर कोट पे आप जिस साइड भी पॉकेट देना चाहते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, सो आपको नीचे से 4 इंच ऊपर की ओर और जहाँ से आप अपनी प्लेकेट आपने बनाई है, यानी कि जहाँ पे भी आप चैन वगैरह देना चाहते हैं या फिर आप उसमें बटन्स ऐड करना चाहते हैं, वहाँ से आप 2.5 इंच अंदर की ओर जाके मार्किंग कर लेंगे और इस पॉकेट को तीनों साइड से स्टिच करके ऊपर के साइड से इसको ओपन रखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो समर कोट है वो बनके तैयार है। इसकी हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये इसका कॉलर हो गया, ये इसकी स्लीव हो गई, स्लीव की फिनिशिंग हो गई और मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि अभी मैं इसमें ज़िप लगाऊंगी। सो अभी मैं मार्केट गई नहीं, सो इसमें ज़िप ऐड होगी, सो इसीलिए मैंने इसको अभी ऐसे ही छोड़ दिया है और ये हमारी पॉकेट हो गई। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो और आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी रहे।
सो अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे वो आपके कमेंट्स के थ्रू ही लेकर आएंगे, यानी कि जो कुछ भी आप लोग सीखना चाहते हैं वो अगर आपको सिखाऊं तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं वो सिखा रही हूँ जो आप लोग सीखना चाहते हैं। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट क्लास किस चीज़ पर चाहिए। कोई भी कमेंट करे, कितने भी कमेंट करे, मैं सारे कमेंट्स को कवर अप करूँगी हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, और मैं कोशिश करूँगी अब कि आप लोग के लिए एवरीडे क्लासेस लेकर आ सकूँ। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जो भी सीखना चाहते हैं सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।